गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम बाल कटाने जा रहे हैं, सुबह के 8 बजे हैं और हाँ आज हम बाल कटाने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिल सकें। टाइम पे ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल, क्योंकि ऑफिसेज, स्कूल, ज़्यादा चीज़ें एक ही टाइम पे होती है, सब ने जल्दी पहुंचना होता है और जल्दी निकलने का ख्याल किसी को भी नहीं आता, सबको अपनी आप लेट क्यों आ रहे हो फिर? सबको अपनी मर्जी से निकलना होता है, जिस वजह से फिर रस्ते में आके हो जाती है ट्रैफिक जैम, लोग और लेट होते हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अरे बंदे को टाइम से निकलना चाहिए, टाइम से पहले आपने पहुंचना, आपको पहुंचना चाहिए जहां आपने पहुंचना है। अच्छा दोस्तों पता हुआ कि बातों में ना हम लोग आपस में गप्पे लगाए थे तो हम लोग भूल गए कि हम लोग एक व्लॉग भी शूट कर रहे हैं, तो हमारे जहन से ये चीज निकल गई। तो हमारे साथ तो एक हो गया अजीब गरीब किस्म का सीन। अब सीन हुआ कि हम लोगों ने सिलेंडर भी लेना था और बार्बर के पास भी जाना था अपनी दाढ़ी झाड़ी और बाल वगैरह उसको सेट करवाने के लिए, तो हम लोगों ने सिलेंडर गाड़ी में रखा, निकले, व्लॉग कंट्रो किया। उसके बाद जब हम जगह पर पहुँचे तो पहले हमें क्या शॉक मिलता है कि गैस वाला बंद हो गया, नहीं है वो यहाँ पे। हमने कहा चलो ठीक है कहीं और से ले लेंगे बाद में, चलो अभी चल के अपने बाल छल कटाते हैं, बालों पे ध्यान देती हैं। उसके बाद हम लोग अपने बार्बर के पास गए तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर हमने इंतजार किया, कोई कह रहे थे यार सो तो नहीं जा, मैंने कहा था क्या पता हमारा बार्बर पाकिस्तान में हो। फिर हमारे बार्बर का फ़ोन आया, मैं पाकिस्तान में उस टाइम पर, तो फिर हमें एक दूसरा शौक मिला, फिर हम एक और बार्बर के पास गए, वो भी बंद था। फिर रस्ते में जितने बार बार थे हमने सबको चेक किया, सारे के सारे बंद थे। आज लगता है सबने इज्तमाही तौर पर फैसला किया था आज बंद, हमारा पोपट हो गया, हमारा पोपट हो गया। तो फिर हम रस्ते में भी यहाँ घर है, हमारे घर के साथ जो बार बार थे वो भी बंद है। तो ये हमारे साथ एक अजीब सी सीन हुआ, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह।